हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं बना रही हूँ फ्लावर की सब्जी, जिसे हम कॉलीफ्लावर कहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कैसे बनाते हैं। तो फ्लावर की सब्जी बनाने के लिए मैंने यहाँ फ्लावर को छोटा छोटा काट दिया है और साथ में आलू काटा है। ये तेल है, नमक है, ये सारे सूखे मसाले हैं और टमाटर एक लिया है मैंने, कड़ी पत्ता और एक छोटा टुकड़ा मैंने अदरक का लिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्लावर की सब्जी। तो दोस्तों, यहाँ कुकर गरम हो गया है मेरा, उसमें मैं 2 चम्मच तेल डाल रही हूँ। मैं कम तेल यूज़ करती हूँ, तो आप अगर इसमें ज़्यादा तेल डालना चाहो तो डाल सकते हैं। अभी इसमें मैं डालूँगी राई और थोड़ा सा जीरा, अभी दोस्तों हमारी राई फूट चुकी है, तो अभी इसके अंदर मैं हींग डालूंगी और कड़ी पत्ता और टमाटर। अभी इसे मिक्स कर दिया है मैंने और जो मैंने अदरक किया था उसे मैंने कूट दिया है। अगर आप इसकी पेस्ट बना के रखोगे या इसे चॉप करके डालोगे तो फिर भी ये बहुत ही अच्छा लगता है। फ्लावर की सब्जी में अदरक का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। अदरक अगर आप पहले डालोगे तो वो जल जाता है, इसीलिए उसे टमाटर के साथ डालिए ताकि वो जले ना। और अगर आपको हरी मिर्च पसंद है तो आप इसमें हरी मिर्च भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरे बच्चे छोटे हैं तो मैं हरी मिर्च नहीं डालती हूँ, वो मैं लाल मिर्ची इसमें डालती हूँ। अब दोस्तों, अभी हमारे टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं तो अभी इसमें मैं सारे मसाले कर दूंगी। पहले हल्दी पाउडर, फिर लाल मिर्च पाउडर, आप जितना तीखा खाते रहोगे उस हिसाब से, और धनिया जीरा पाउडर और नमक, और अभी इसे मिक्स करके सब्जी में डाल दूंगी इसमें। तो दोस्तों, मैंने सारी सब्जी अभी मिक्स कर दी है, अभी मैं इसमें 1/2 ग्लास से कम पानी डालूंगी और अभी हमें 2 सीटी आने तक कुक करना है। तो देखिए दोस्तों, अब हमारी सब्जी रेडी हो चुकी है। अगर आपको आज का मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।